तीन मुतालिबे हैं जो हमारे कैदी हैं, जो जेलों में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी और जो हमारे खासकर जो सोशल मीडिया के वर्कर और जो हमारे दफ्तर पे अटैक हुआ है, लोगों को मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है। नंबर टू महंगाई, तीसरा जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है। देखे एक जुमे के हवाले से अल्लामा साहब ने बात की है, मैं इस हवाले से आज ही बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आचक जी साहब बात कर लेंगे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जुमे के दिन हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। पुरअमन तौर पर जो है ना हमारा तीन मुतालिबे हैं। नंबर वन जो हमारे कैदी हैं, जो जेलों में हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी और जो हमारे खासकर जो सोशल मीडिया के वर्कर और जो हमारे दफ्तर पे अटैक हुआ है, लोगों को मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई। नंबर टू महंगाई, जो कि बिजली की कीमतें और इसके साथ साथ जो गैस की, पेट्रोल की और ख़ासकर जो टैक्सेस लगाए हैं, इस टैक्सेस के ख़िलाफ़ जो निकलना है। और तीसरा जो मुल्क में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है और ख़ासकर जो है पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क में हमने अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तीन नुकात पे निकलना है। मैंने अपनी लीगल पेटर्निटी से और ये सब के साथ हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फासिस्ट रवि तरीके से जो चला रहे हैं, ये फासिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे। मेरी अपनी कौम से उम्मीद है कि भरपूर तरीके से निकलेंगे। इनका बोझ और खसत और जाली मैंडेट है इनके पास, इनको जाना पड़ेगा।